दोस्तों आ वीडियो नी अंदर एक एवी शाकभाजी विषे बात करवानी छे के जे कोई पण जग्या उपर मळी आवे छे ने एकदम प्योर नेचरल वस्तु छे। तमने कोई पण जातनी दवा नाख्या वगर तमे तमारा घरनी अंदर पण आ शाकभाजी आ वस्तुने उगाड़ी शको। एक कूंडू लो, आ कूंडानी अंदर एनु बीज नाखी दो अने एनो वेल छे तमारा जे जग्या छे त्यां आने उगी निकलशे अने एमांथी तमने एनु फळ शाकभाजी मळी आवशे। आनो रस पीवाथी अथवा शाकभाजीनी शाक बनावीने खावाथी जो रस पीवामां आवे तो लीवर किडनी अने हृदयने लगती मोटामां मोटी समस्या गंभीर समस्यानुं पण समाधान तमने मळी शके छे। डायाबिटीस माटे रामबाण इलाज छे। जे लोकोनुं शुगर लेवल वधतुं होय एमणे आनो रस बनावीने रोज सवारमां पीवो जोईए। लीवर एकदम साफ थाय छे। आनी अंदर आ वस्तुनी अंदर फोस्फरस नामनुं तत्व रहेलुं छे। आ तत्वनुं काम छे आपणा शरीरमांथी कफ कबजियात अने पाचन शक्ति ने मजबूत करवानो। कबजियात दूर करे, कफ दूर करे अने पाचन शक्ति मजबूत करे एवी आ वस्तु एटले कारेला। जी हाँ दोस्तों, कारेला छे। बारे मास तो न मळे परंतु चोमासानी अंदर तमने भरपूर मात्रामां आ वस्तु मळी आवे छे अने आनु सेवन करवाथी तमने अस्थमाने लगती तकलीफ पण दूर थाय, शरीरनुं जे लोही छे ए पण एकदम साफ थाय छे अने तमारू जे ब्लड शरीरमां जे पण खराब द्रव्यो छे तत्वो छे ए तमाम तत्वो निकली जाय छे। तो आनुं सेवन करवानुं चालू करो। शरीरना मोटा भागना रोग मटाडती आ वस्तु कारेला तमारा माटे रामबाण छे ने ચોમાસામાં ભરપૂર મળે છે તો બે મહિના સતત તમે ખાઈ લો। થેન્ક યુ।